बिग बॉस के घर में ऑलरेडी दो इलेक्शन हो चुके हैं, आखिर अब कौन है जो बिग बॉस के घर से बाहर जाएगा, आखिर किसको जनता जो है नहीं देखना चाहती है जिया और आलिया में से, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अगर देखा जाए तो बिग बॉस के घर में कल जो नॉमिनेशन हुए उसमें क्लियरली दो नाम सबसे ज्यादा लिए गए, या फिर यू कह लो कि दो नाम सबसे ज्यादा बार आए, एक नाम था जया शंकर का और दूसरा नाम था आलिया सिद्दीकी का। आलिया सिद्दीकी का तो यार एक हिसाब से अगर देखा जाए, एक वास्ट लेवल पे अगर देखा जाए, तो उनका गेम प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आलिया जो है वो या तो ये बिग बॉस के घर में किचन में खाना बनाने को आई हैं, या तो अपने जो मैरिज के बारे में पूरा सिंपथी लेने को आई हैं, खुद विक्टिम कार्ड खेलने को आई हैं, या तो वो क्लियरली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें जिया शंकर की, तो भाई जब जिया शंकर मतलब जब आई थी बिग बॉस के घर में, तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी, इतना ज़्यादा स्ट्रांग ऑरा था उनका कि इनिशियली ऐसा लग रहा था कि यार ये कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो ओवरऑल सब मतलब जिसकी तरफ देखेंगे। लेकिन जिया को अब देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो खुद ही भटक गए एकदम, अब्बा जब्बा डब्बा खत्म हो गया गेम जिया का, ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाए तो जिया क्लियरली पूरे के पूरे बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज नजर आ रही हैं, और उनका गेम प्लान उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है। जिया कभी अभिषेक का हाथ पकड़ के खेलने की कोशिश कर रही हैं, कभी जात का हाथ पकड़ के खेलने की कोशिश कर रही हैं। जिया अगर चाहें, अगर वो मतलब बोलते हैं ना, वो खुद ही नहीं समझ पा रही कि उनका पर्सनालिटी कितना स्ट्रांग है, अगर चाहें तो अकेले खेल सकती हूँ, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों उनको सबका सपोर्ट लग रहा है। पहले जब बिग बॉस का जर्नी शुरू हुआ तो अविनाश का उन्होंने हाथ पकड़ा, अविनाश के बाद पलक का हाथ पकड़ के खेलने गई, उसके बाद जाद का, जाद के बाद अभिषेक का, अभी तो अभिषेक चल रहे हैं, देखते हैं आगे कौन आता है। लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ जिया को अभी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिया जो है बहुत स्ट्रांग प्लेयर है इनिशियली, लेकिन जब से उन्होंने बस बोलते हैं कि सर्कल गलत चुन लिया, उस वजह से उनको इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है। और क्लियरली अब ऐसा लग रहा है कि यार उनके जो चेहरे हैं, उनके जो फेसेस हैं, ऐसा लग रहा है जो बेबिका का जो प्रेडिक्शन था, ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ सही होती हुई दिख रही है, जनता तो बाहर यही कह रही है। और आपको बता दूं कि इस बार जियो सिनेमा ने खुद अनाउंस किया है कि मिडवीक इविक्शन होगा, यानी कि हफ्ते के बीच में। और इस बार तो नॉमिनेशंस में दो ही लोग थे, जो दो लोग नॉमिनेट हुए हैं घर से बेघर होने के लिए, जिया और आलिया। अगर देखा जाए इस समय ट्विटर के हिसाब से, अगर मतलब जो ट्विटर पे जो पोल्स आ रहे हैं, जो जनता जो डिमांड कर रही है, वो ये कि आलिया घर जाएंगी। लेकिन अब ये चीज़ तो बिग बॉस पर ही निर्भर करता है क्लियरली, और उसके बाद अगर टेक ओवर करने वाला सिचुएशन आता है कि जनता को वोट करना है, जनता को टेक ओवर करना है, तो हो सकता है कि जनता भी अपना थोड़ा सा कुछ योगदान दे इन दोनों के बीच में किसी को निकालने में। लेकिन आपको बता दूं कि फिर उसके बाद ये भी बिग बॉस की तरफ से डिस्टेंट टर्न हो जाएगा कि फिर ऐसा हो सकता है कि इनको बचने के लिए कोई कुछ करेंसी जमा करनी पड़े, जैसा पलक के साथ हुआ था। इस पर आपकी क्या राय है, कौन होगा घर से बेघर, जिया या पलक, जिया या फिर आलिया, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बन रही हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।